खबरें भोपाल से, जहां इंदौर में जैन परिवार के 9 साल के बच्चे के धर्मांतरण के मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस ने आरोपी इलियास कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा। आरोपी ने ना सिर्फ बच्चे का जबरन खतना कराकर धन परिवर्तन करा है, बल्कि उसके फर्जी दस्तावेज भी बना लिए हैं। जी हाँ, जैन परिवार के बच्चे का धर्मांतरण करा दिया गया है। इंदौर के मामले पर गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है। खजराना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी है कि ऐसी मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। दो बच्चे का खतना करा दिया तो उसके पिता महेश जैन ने शिकायत की है। ये विषय संज्ञान में आया है और कुछ समय से चलने वाला विषय था। ये इलियास नाम के व्यक्ति के साथ में ये लड़की रहती थी और इसके जो बच्चा था वो जैन परिवार का था। जांच के बाद में फिर 467, 468, 420 और धर्म स्वातंत्र विधेयक के तहत कार्रवाई करके व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, बढ़ने नहीं दी जाएंगी। इस तरह की मानसिकता कोई बदलना है और कुचलना है।